नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ MMR टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप की रैम बढ़ाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें और अंत तक देखिए। अक्सर मेरे कस्टमर्स मुझे बताते हैं कि उन्होंने बाज़ार से रैम ऑर्डर किया या फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो रैम उनके सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके लैपटॉप के लिए या डेस्कटॉप के लिए सटीक और सही रैम कैसे चुनाव करें। तो शुरू करते हैं। आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में आपको टाइप करना है CPU Z। ये ऑफिशियल साइट पे आप जाइए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटअप इंग्लिश डाउनलोड कर लीजिए। ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अभी चलो इसको ओपन करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। CPU Z सॉफ्टवेयर इस मशीन पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसे ओपन कर लेते हैं और जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे सिस्टम रिलेटेड सारी जानकारी ये सॉफ्टवेयर इकट्ठा करके आपके सामने पेश कर देता है। इसमें प्रोसेसर कौन सा सिस्टम में है, मदरबोर्ड कौन सा लगा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है। क्योंकि आज हम लोग रैम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो सीधा रुक करते हैं SPD सेक्शन, जो कि रैम रिलेटेड जानकारी आपको देता है। इसमें आपके सिस्टम में स्लॉट कितने हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्लॉट वाइज रैम डिटेल्स आपको शो करता है। अभी अगर आप क्लिक करते हैं स्लॉट 1 पे, यहाँ पे सिस्टम में रैम कौन से टाइप की इंस्टॉल है इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इस सिस्टम में TDR3 रैम लगी हुई है। उसके बाद आता है आपका सिस्टम कौन से बैंडविड्थ पे चलता है या फिर कौन से फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे PC3-10700 ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड है। यही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड यूज़ करके अगर आप रैम मार्केट से ख़रीदते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, वो रैम आपके सिस्टम को सपोर्ट करना ही करना है। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी खास टॉपिक के साथ। धन्यवाद।